इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। सुमित्रा खूब अंधेरे में जंगल में एक पतली सी पगडंडी पर चले जा रही थी। उसके चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित्रा की सांसें गर्म थी पर उसके आसपास का इलाका लाश की तरह ठंडा। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा भी रही थी जो उसके सिवा कोई नहीं सुन रहा था। कि अचानक ही किसी ने सुमित्रा को पीछे से ठोकते हुए कहा, लगता है तू अपनी जिद मनवा कर ही मारेगी। कितनी बार कहा है तुझे, जो तू चाहती है वो मैं तुझे नहीं दे सकता। फिर हर अमावस को क्यों मेरे पास चली आती है? आवाज सुन सुमित्रा की सांसें अब शांत हो गईं। शायद वो इस आवाज को पहचानती थी और इस आवाज के पीछे छिपे चेहरे को भी। अब सुमित्रा का डर हवा हो चुका था। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ अपनी साधना में लीन था और बुदबुदाते हुए किन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। अघोरी बाबा, आप भी तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं होते। आपके लिए तो कितना छोटा सा काम ही है जिसके लिए मैं पिछले 12 अमावस्या से आपके पास आ रही हूँ और आज 13वीं है। कम से कम आज तो मुझे खाली हाथ मत भेजिए। सुमित्रा की बात सुन अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देख सुमित्रा कांपने लगी थी। क्योंकि अघोरी बाबा की आंखें थी ही नहीं, बस आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। पर फिर भी अघोरी बाबा को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। सुमित्रा भी अपनी जिद के आगे अड़ चुकी थी। उसे डर तो लग रहा था पर सुमित्रा ने अपने कदम पीछे नहीं किए। अघोरी भी अब सुमित्रा के सामने आ खड़ा हुआ था। पर क्यों चाहती है तू ये सब? क्या हासिल होगा तुझे हम में से एक बनकर मेरी तरह संसार का सुख छोड़कर जंगलों में भटकना होगा? कोई नहीं होगा तेरे आगे पीछे, तेरे से पूछने वाला, तुझे कुछ बताने वाला। सब कुछ त्यागना होगा तुझे, यहाँ तक कि शारीरिक सुख भी। अघोरी बाबा की बात सुन सुमित्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलक आई थी। उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे अघोरी से कहा, बाबा मुझे ये सब मंजूर है, बस आप मुझे अपनी दासी बना लो। मुझे अघोरी बनना है और मैं जानती हूँ आप मुझे अघोरी बना सकते हैं। सुमित्रा की जिद के आगे अघोरी की एक नहीं चली। अघोरी ने भी एक लंबी सांस लेते हुए सुमित्रा से कहा, एक शर्त पर, तो मैं मुझे वो सब कुछ सच सच बता रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ और किस बदले की आग में दिन रात चल रही हो। अघोरी की शर्त सुन सुमित्रा की आंखें नम हो गईं, जैसे उसे अपने पत्थर कल की छलकियां दिखाई देने लगी हो। बाबा मैं वैश्या हूँ, अपने जिस्म को बेचकर पैसे कमाती हूँ, ना माँ रही और ना बाप। ले देकर एक अधेड़ उम्र के आदमी बलवंत ने मुझसे शादी का वादा किया, सारे सुख भोगे और जब मन भर गया तो कुछ कागज के टुकड़ों के लिए मुझे बंगाल के सोना काची में बेचकर भाग गया। पहले कुछ दिन तो मैंने उनकी बातें मानने से साफ इनकार कर दिया, पर कहते हैं ना मरना तभी होता है जब मौत आती है, और मुझे तो हर रात इतना मारा जाता था कि मौत ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। फिर हालात और भूख के आगे मुझे झुकना पड़ा, मैंने वो जिंदगी अपना ली। रोज रात को चादर की तरह बिछना, अजीब अजीब से लोग आते थे और उनकी शक्लों में मुझे उस बलवंत का ही चेहरा दिखाई देता था जिन्हें सिर्फ मेरा नंगा जिस्म ही दिखता था, मेरा दिल या मेरा मन नहीं। ऐसे ही जिंदगी बिस्तर पर बिछी चादर की तरह गुजर रही थी कि फिर एक रात को वो आया, मेरी उजाड़ और बर्बाद हुई दुनिया में अपनी खुशबू लेकर। ये कहते हुए सुमित्रा की आंखें चमक उठी थी, उसे कोई अपना याद आया। कौन आया था सुमित्रा, किसकी बात कर रही हो तुम? इस पर सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए अघोरी से कहा, राजीव नाम था उसका, कलकत्ता के किसी कॉलेज में पढ़ता था। पहली बार जब उसने मुझे अपनी साड़ी उतारते देखा तो वो कांपने लगा था, बोला मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या हम सिर्फ बातें कर सकते हैं? ये मेरी जिंदगी का पहला मर्द था जो मुझसे सिर्फ बात करना चाहता था, वरना इससे पहले जितने मर्द मिले सब मेरे साथ। खैर छोड़ो, धंधे का टाइम था
और मेरे पास इन सब फालतू चीजों का बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे से निकाल फेंका। वो क्या है ना, जब हमें धंधे के नियम कानून सिखाए जाते हैं तो सबसे पहला नियम ये होता है कि कभी भी हमें धंधे में अपना दिल नहीं लगाना होता, क्योंकि इस धंधे में हमें दिल लगाने के पैसे नहीं मिलते हैं। ये कहते हुए सुमित्रा रोने लगी थी, जिसे देख अघोरी भी चौंक गया था। क्या हुआ सुमित्रा, तुम ठीक तो हो? क्या वो लड़का फिर आया था तुम्हारे पास? कुछ तो बोलो। हाँ बाबा, वो फिर आया था, मगर इस बार उसके शरीर का एक अंग कटा हुआ था। उसका एक हाथ नहीं था बाबा। क्या मतलब एक हाथ नहीं था? कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। पर ये तो बताओ, जब वो दोबारा तुम्हारे पास आया तो क्या इस बार भी तुमसे बात ही करना चाहता था या फिर कुछ और? अघोरी की इस बात पर सुमित्रा बोली, हाँ बाबा आया था, पर इस बार भी वो सिर्फ मुझसे बात ही करना चाहता था। पर उसका कटा हुआ हाथ देख मैंने इस बार उसे नहीं भगाया, बल्कि उससे खुद से कहा, कहो जो कहना चाहते हो। पर हैरानी की बात ये थी कि वो कुछ बोला ही नहीं। मैंने बहुत पूछा, फिर भी उसने अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं कहा, बस एक टक प्यार से मुझे देखता रहा। सुमित्रा की कहानी में अघोरी दिलचस्पी लेने लगा था। उसने चौंकते हुए सुमित्रा से फिर पूछा, लगता है कोई पागल ही मिला था तुमको, लेकिन क्या सच में तुम उस पागल के लिए अघोरी बनना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं उस पागल के लिए ही अघोरी बनना चाहती हूँ। सच कहूँ तो वो कोई पागल नहीं था। दरअसल उस रात के बाद वो 3 बार और आया था मुझसे मिलने, पर हर बार उसके जिस्म से उसका एक अंग गायब मिलता था, और हर बार वो मुझसे बात करने का बोलकर चुप हो जाता था, बस मुझे देखता रहता। सच कहूँ तो उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती थी, जिससे शायद मैंने ही कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। वो अचानक से मुझे देखकर खुश हो जाता तो कभी बिलक बिलक कर रोने लगता। बाबा राजीव बहुत प्यार करने लगा था मुझसे। तो क्या तुमने उससे अंगों के बारे में पूछा नहीं? आखिर ऐसा क्या करता था वो और किस तरह का प्यार था? ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना, बस पत्थर की तरह किसी को घूरते रहना, मेरे समझ से तो ये बिल्कुल परे है। अघोरी बाबा भले ही सुमित्रा पर पूरी तरह से यकीन ना कर रहे हो, पर सुमित्रा ने तो ये जिया था, फिर भला वो कैसे इन सब को छुटला सकती थी? लेकिन सुमित्रा के पास अघोरी के सवालों के सारे जवाब थे। बाबा मैंने बताया तो आपको, वो पहली मुलाकात के बाद 3 बार और मुझसे मिलने आया था, साथ में खूब सारे पैसे भी लेकर आया था। लेकिन उससे हुई आखिरी मुलाकात में उसने मुझे सब कुछ बताया था। कह रहा था कि उसने किसी अघोरी से अपने शरीर का समझौता किया है, जो हर अमावस को उसके जिस्म से एक हिस्सा काट कर खाता है। उसने मुझे ये भी बताया था, मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी के कब्जे में रहेगी, इसलिए मैं अघोरी बनना चाहती हूँ, ताकि मैं उस अघोरी से राजीव की आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। सुमित्रा की सारी बात सुनने के बाद अघोरी ने बस इतना कहा, कल से अगले 13 महीनों तक मेरे साथ शमशान चलना होगा, वहां मैं तुम्हें सारी विद्या, सारे तंत्र मंत्र सिखाऊंगा। अघोरी की क्या साधना होती है, अघोरी का क्या महत्व होता है, सब कुछ। बाबा की मंजूरी मिलने के बाद सुमित्रा ने तुरंत ही बाबा के पैर छुए, और अगले दिन से अघोरी के साथ सुमित्रा शमशान जाकर साधना करने लगी। आधी जली लाश का मांस खाना, तो कभी कच्चा मांस कौओं को खिलाना, तो कभी कभी घंटों किसी जानवर की लाश पर बैठकर मंत्र उच्चारण करना। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुमित्रा को अघोरी की सिद्धियां प्राप्त हो गईं। पहले तो उसने अपने गुरु के पैर छुए और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रही थी कि बाबा ने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा तुमने बताया नहीं वो अघोरी कौन था जिसके पास तुम्हारे राजीव की आत्मा कैद है? ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, बाबा उस जल्लाद का नाम अघोरी नंदा है। अघोरी नंदा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो अघोरी जिन को अपने काबू में करता है, और मेरी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जानवरों की आत्माओं को ही वश में काबू कर सकती हैं। हम लोग जिन के आगे एक पल भी नहीं टिक पाएंगे।
अघोरी बनने के बाद भले ही सुमित्रा की आदतें और रहन सहन बदल गई हो, लेकिन उसकी जिद और उसका गुस्सा अभी भी पहले जैसा ही था। बाबा, मर तो मैं पहले ही चुकी थी, अब तो बस किसी को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ बची कुछ सांसें हैं, बस उसी से किसी का भला करना चाहती हूँ। ये कहकर सुमित्रा सीधा घोरी नंदा के पास जाने को चलती कि सुमित्रा के गुरु ने कहा, रुको सुमित्रा, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो और तुम ये लड़ाई अकेले जीत भी नहीं सकती हो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर अघोरी और सुमित्रा दोनों सीधा घोरी नंदा के पास पहुंचे, जो पहले से ही एक इंसान की लाश पर बैठ तपस्या कर रहा था। अघोरी नंदा, देख आ गई मैं। पिछली बार तुमने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि मैं सिर्फ एक तुच्छ इंसान हूँ, तो ले आज मैं भी तेरी तरह एक अघोरी हूँ, और अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो अभी के अभी मेरे राजीव की आत्मा को मुक्ति दे दे, वरना। सुमित्रा की बात सुन अघोरी नंदा की आंखें खुल गईं। उसकी तपस्या सुमित्रा की वजह से भंग हो गई थी। कोई नहीं, तुझे तब नहीं मारा तो तुझे आज मार दूंगा। ये कहते हुए अघोरी नंदा लाश पर से उठ गया और कुछ मंत्र पढ़ता हुआ लाश की तरफ देखते ही लाश की आंखें खुल गईं और वो सीधा सुमित्रा और अघोरी को मारने ही चल दिया। सुमित्रा, इस लाश में अघोरी नंदा ने किसी चिन्ह की आत्मा फूकी है, इस लाश को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। इतना कहकर सुमित्रा और पापा दोनों एक साथ मंत्र पढ़ने लगे और देखते ही देखते उस लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर अगले ही पल वो लाश वापस पहले जैसी हो गई और इस बार पहले से और ज्यादा शक्तिशाली भी। पर सुमित्रा ने अभी हार नहीं मानी थी, वो दोनों अभी भी मंत्र पढ़ रहे थे कि तभी उस लाश ने सुमित्रा के अघोरी गुरु की गर्दन को पकड़ लिया और सुमित्रा की आंखों के सामने ही उसके दो टुकड़े कर दिए। पर सुमित्रा हार मानने को तैयार नहीं थी, उसने कुछ ऐसा मंत्र फूंका कि देखते ही देखते वो लाश चलने लगी। लाश को जलता देख अघोरी नंदा भी बेचैन हो उठा था, उसने चीखते हुए सुमित्रा से पूछा, ये कैसे कर सकती हो तुम? भला एक जिन्न की आत्मा को कोई एक पल में कैसे खत्म कर सकता है? कौन हो तुम और क्या विद्या सीख कर आई हो? अघोरी नंदा को अब उसकी मौत साफ दिखने लगी थी, लेकिन सुमित्रा ने ऐसा नंद पढ़ा कि अघोरी नंदा हवा में उड़ गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई अघोरी नंदा के हाथ पैरों को खींचते हुए उसके जिस्म से अलग कर देना चाहता हो। बोल, तू राजीव की आत्मा को रिहा करता है कि नहीं? इससे पहले कि अघोरी नंदा कोई जवाब देता, सुमित्रा इतनी जोर से चीखी कि अघोरी नंदा के जिस्म से उसका एक हाथ उखड़ गया। अघोरी नंदा हवा में ही तड़प रहा था। बोल, तूने राजीव के साथ ऐसा क्यों किया था? बोल, वरना मैं। एक बार फिर सुमित्रा चीखी और अघोरी नंदा के जिस्म से इसका दूसरा हाथ भी उखड़ गया। सुमित्रा भी अघोरी नंदा को वैसी ही मौत दे रही थी जैसी उसने राजीव को दी थी। अघोरी नंदा के दर्द की कोई इंतहा नहीं थी, वो दर्द में तड़पते हुए सुमित्रा से कहने लगा, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा घोरी बनना, जिसके लिए मुझे एक जिंदा शरीर चाहिए था, जो अपना एक अंग मुझे दे लेकिन उसका शरीर भी जिंदा रहे। तब मेरे पास राजीव आया, उसे एड्स था, वो वैसे भी मरने वाला था। बदले में मैंने उसके घर वालों को करोड़ों रुपए दिए और राजीव ने मुझे अपना शरीर। सुमित्रा, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, ले मैं अभी तेरे राजीव की आत्मा को मुक्ति देता हूँ, बस तू मुझे जिंदा छोड़ दे। इतना कहकर अघोरी नंदा कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे अगले ही पल राजीव की आत्मा अघोरी नंदा के अंदर से निकलकर सुमित्रा के सामने आ खड़ी हुई। राजीव को देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए थे। सुमित्रा ने भी राजीव की आत्मा को तुरंत गले से लगा लिया। सुमित्रा ने राजीव की आत्मा से बस इतना कहा, राजीव, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। और फिर कुछ मंत्र पढ़े जिससे राजीव की आत्मा सुमित्रा में ही समा गई। सुमित्रा का आधा चेहरा राजीव का हो गया था। बहुत दिनों बाद सुमित्रा के चेहरे पर हंसी थी, वो खुशी खुशी
शमशान घाट से निकल गई और अघोरी अकेला ही शमशान में चीखता रहा। और अगले ही पल अघोरी नंदा का शरीर एकदम से फट पड़ा। सुमित्रा ने अपना बदला ले लिया था। आखिरकार एक वैश्या को भी अपना प्यार मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।